देहरादून से बड़ी खबर है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से मिलने पहुंचे कांग्रेस विधायक करण महाराज। सत्र बढ़ाने की मांग की जा रही है, 14 दिन का होना चाहिए बजट सत्र। करण महाराज ने सरकार पर निशाना साधा है, 4 दिन का सत्र रखकर क्या करना चाहती है सरकार। आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा का सत्र गैरसैंण में 4 दिवसीय सत्र प्रस्तावित है और अब सत्र को लेकर सियासत भी गर्मा रही है। गैरसैंण को लेकर सवाल जवाब का सिलसिला पहले से था, लेकिन सत्र 4 दिन का रखे जाने पर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, सरकार पर हमलावर है। साफ तौर पर कांग्रेस विधायक करण मेहरा का निशाना सरकार पर, 4 दिन के सत्र में क्या करना चाहती है सरकार। विधानसभा ने मेरे को एक आज अपना विषय रखा है। आपका कहना है कि सत्र, और वो भी बजट सत्र, बहुत छोटा है और इसको बढ़ाया जाना चाहिए। और निश्चित रूप से आपकी चिंता, मुझे लगता है कि जैसे आपने बताया कि आज से पहले कभी इतना छोटा सत्र नहीं हुआ बजट सत्र, तो मैं बात करूंगा, क्योंकि सरकार का विषय है, सरकार ने तय किया है। मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि सरकार ही तय करती है कि बजट कोई भी सत्र कहाँ हो, कितने दिन का हो, कब से हो। तो जो विषय मेरे सामने आया, तो निश्चित रूप से मैं पहले माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करूँगा और उसके बाद फिर तय करेंगे क्या उसमें हमें आगे कोई निर्णय लेना। 4 दिन में ये समस्या परे है कि एक तरफ राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उस पर सभी सदस्य अपनी बातें रखेंगे और उसके बाद विभागवार बजट की चर्चा होनी है, बजट पे चर्चा होगी। तो कैसे 4 दिन में ये संभव है समझ में नहीं रहा। क्षेत्र की अन्य समस्याएं हैं, लोगों के अपने अपने विधानसभाओं से संबंधित विषय। पंकज पवार, ब्यूरो चीफ, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, अब बजट सत्र के दिनों को लेकर सियासत गर्मा रही है, करण महरा का विधानसभा अध्यक्ष से मिलना और ये मांग करना कि सत्र को 14 दिन का कम से कम किया जाना चाहिए, ऐसी मांग नेता प्रतिपक्ष भी कर चुकी हैं, किस तरह की तस्वीर है? बिल्कुल पंकज, अगर कहा जाए तो इस बात को लेकर चर्चाएं बहुत हैं और सबसे बड़ी बात यह है 4 दिन में कोई बजट सत्र पास होता नहीं है और सरकार ने 4 दिन का गैरसैंण में सत्र रखा है, उसको लेकर विपक्ष की जो नाराजगी है वो जायज लगती है। क्योंकि विधानसभा पहले राज्यपाल का अभिभाषण होता है, राज्यपाल के अभिभाषण में ही 4 दिन उनकी उसकी चर्चा में लग जाते हैं। ऐसे में अगर आप बजट को भी उसी समय रख देंगे तो फिर ये तमाम चीजें पे ना तो चर्चा हो पाएगी ना उसका निष्कर्ष निकल पाएगा। तो इसीलिए विपक्ष का कंसर्न है कि इस सत्र को लगभग 14 दिन का तो रखा ही जाए, क्योंकि इससे पहले भी जो सत्र रहे हैं वो लगभग 14 दिनों तक या फिर 13 दिनों तक चलते हुए रहे हैं। लेकिन सरकार ने इस बार केवल 4 दिन का सत्र रखा है और ये भी नहीं कहा है कि उसको आगे एक्सटेंड देहरादून में भी किया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं। आज जो उपनेता हैं कांग्रेस के करण महाराज, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और उन्होंने अपना कंसर्न जताया है कि इसको लगभग 14 दिन का किया जाए। और जो विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि कार्यमंत्रणा समिति बातचीत की जाएगी और अगर सरकार की अनुमति मिलेगी और सरकार इसको लेकर एग्री होती है तो हम सत्र को बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन अभी उनका साफ तौर पर कहना है कि जो गेंद है वो सरकार के पाले में है। जी पंकज, पहले गैरसैंण में सत्र आहूत करने को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर था और अब जब सत्र सरकार ने गैरसैंण में आयोजित करने का मन बनाया तो दिनों को लेकर यहां पर सियासत हो रही है, तो लगातार विपक्ष हावी हो रहा है। और गैरसैंण में क्या ये भी माना जाए कि लगातार दबाव के चलते गैरसैंण में सत्र करने को लेकर सरकार ने हामी भरी, तो 4 दिन अगर देहरादून में होता तो 14 दिन होता ही? देखिए, ये बात तो सही है, इससे पहले भी कई बार बातचीत हो चुकी है, इससे पहले भी कई बार इस बात को लेकर चर्चाएं रही हैं कि सरकार हमेशा से ये कहती रही है कि हम गैरसैंण में सत्र करेंगे, लेकिन पिछले साल एक भी सत्र गैरसैंण में नहीं हुआ तो उसकी वजह से विपक्ष काफी नाराज था। तो ऐसे में इस बार दबाव जरूर दिखाई दिया है सरकार के ऊपर। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या उसको ये दबाव और काम करता है, क्या 14 दिन का होता है। लेकिन अभी तक तो जो स्थिति है वो 4 दिन की है, 4 दिन में ही सत्र सरकार ने कंप्लीट करने का मन बनाया। लेकिन अब उसमें चाहे राज्यपाल का अभिभाषण हो और उसके बाद बजट को भी रखना है, उस पर भी चर्चा होनी है, राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होनी है और तमाम चीजें जो सत्र के दौरान होती हैं, जो की जानी होती है, उसको लेते हुए अब सरकार कैसे उसको एडजस्ट करेगी ये देखना दिलचस्प होगा। जी नजर बनाए रखिएगा पंकज, फिर आएंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।